गाइज मुझे एक ही टाइप का काफी कंफ्यूजन कई रेबिट लवर भाई बहन में देखने को मिल रहा है इस सिस्टर का कमेंट है कि भाई मादा खरगोश फर्स्ट टाइम हिट पर आए तो उसकी क्या पहचान है और इस भाई का कमेंट है मेरे पास दो खरगोश है एक मेल है दूसरा फीमेल है मेल मीटिंग के लिए तैयार है फीमेल रेबिट अभी तैयार नहीं है अभी थोड़ा छोटी है तो क्या मीटिंग करवाना चाहिए या दोनों को अलग रखना चाहिए प्लीज बताए और इस सिस्टर का कमेंट है सर पहली बार हम कब जाने की अब हमारी मादा खरगोश हिट पर आ गई है और अब हम उसका सक्सेसफुल मीटिंग करवा बच्चे ले सकते हैं प्लीज रिप्लाई कर दीजिए या प्लीज वीडियो में बताएं तो गाइज अगर आप भी खरगोश का मीटिंग करवा कर बच्चे लेना चाहते हैं और आपकी मादा खरगोश सीट पर कब आती है और उसका सक्सेसफुल मीटिंग कब होता है ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मैं हूं आर के मौर्य और आप देख रहे हैं आर के पेट्रेबिट एंड एनिमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है की अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं

या उसके प्रेग्नेंट होने का चांस भी काफी कम रहता है मुझे बहुत से रेबिट लवर भाई बहन कमेंट करते हैं कि सर हम अपने नर और मादा दोनों खरगोश को एक साथ ही रखते हैं पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है या हमने उसका मीटिंग करवा दिया है पंद्रह से बीस दिन हो गया है वो प्रेग्नेंट ही नहीं है तो गाय जिस सबका एक ही रीजन होता है मादा खरगोश के हीट पर ना होना तो गायज मादा खरगोश हिट पर कितने उम्र में पहली बार आती है और सभी नॉर्मल फीमेल रेबिट कब हिट पर आती है और हीट पर आने के बाद हमें कैसे पता चलता है आइए सब कुछ नंबर वाइज जान लेते हैं नंबर वन फाइव प्लस मंथ तो हो जाने पर गाय जब मादा खरगोश की एज पाँच महीने से ऊपर हो जाता है तब मादा खरगोश पूरी तरह से हीट पर आने लगती है गायज वैसे तो हार्मोनल चेंजेस की वजह ऐसी तीन महीने के बाद ही मादा खरगोश हट पर आने वाली हरकते करने लगती है पर वो पूरी तरह से हीट पर नहीं आती है और कम उम्र में ही मीटिंग कराने पर उसके प्रेगनेंट होने का चांस बिल्कुल न के बार होता है नंबर टू गाय जब मादा खरगोश सीट पर होती है तब वो बहुत ज्यादा उछल कूद करती है और उसके पास जो भी खरगोश होता है चाहे नर हो या मादा वो खुद ही उसके ऊपर चढ़कर मेल खरगोश के जैसा मीटिंग करने की कोशिश करने लगती है ऐसे में भी आपको समझ जाना है कि वो हीट पर है और अगर आप उसका मीटिंग नर खरगोश के साथ करवाते हैं तब उसके प्रेग्नेंट होने का और बच्चे देने का 99 परसेंट चांस रहता है नंबर थ्री भाई जब मादा खरगोश हीट पर होती है तब वो अपने आस के दूसरे खरगोशों को काटने के लिए भी दौड़ाती है और कभी कभी काट भी लेती है नंबर फोर जब मादा खरगोश हिट पर आती है तब उसका प्राइवेट पार्ट हल्का हल्का गीला रहता है और वो लगातार पानी भी छोड़ता रहता है और आपको उसे उल्टा करके देखने पर उसका प्राइवेट पार्ट इसी तरीके से हल्का हल्का पिंक और चिपचिपा सा पानी छोड़ता हुआ आपको दिखेगा तब भी आपको समझ जाना है कि आपकी मादा खरगोश हीट पर है प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी है और आप उसका सक्सेसफुली मीटिंग करवा सकते हैं नंबर फाइव गाय अगर आपकी मादा खरगोश नर खरगोश के मीटिंग करने पर उसे जरा भी अपने पास से भगाने की कोशिश नहीं करती है और मीटिंग करने के लिए एक जगह पर आराम से बैठ जाती है और नर खरगोश के साथ बार बार मीटिंग करती है तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि वो पूरी तरह से हीट पर है और उसके प्रेगनेंट होने का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है और गाय अगर आपके पास नर मादा खरगोश है और अगर नर खरगोश बड़ा है और मादा खरगोश उससे छोटी है तो मीटिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं है बस मादा खरगोश का एज सिक्स प्लस वंथ होना चाहिए उससे कम उम्र में ही मीटिंग कराने पर दिक्कत हो सकता है और अगर वही मादा खरगोश बड़ी है और नर खरगोश की एज चार या पाँच महीने की है तब भी सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो सकता है पर उससे भी आपके नर खरगोश के सेहत पर ज्यादा असर पड़ेगा तो गायज कहने का मतलब है कि नर मादा खरगोश में चाहे जो भी छोटा हो या बड़ा इससे उनके मीटिंग करने पर कोई दिक्कत नहीं होता है वो सक्सेसफुल मीटिंग कर सकते हैं आपको उनकी एज सिक्स प्लस मंथ हो इस बात का पूरा ध्यान रखना है बस तो गाइज आई होप कि अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही दीजिए तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद